चिल्ड्रन आइए आज मॉली की स्टोरी सुनते हैं। ये है मॉली, ये अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है खेलने के लिए। सबसे पहले फतेह के पास गया। फतेह हेलो आओ खेले। उसको देख के तो फतेह ने अपना मुंह ही घुमा लिया दूसरी तरफ, उसको हेलो भी नहीं की। पता नहीं क्या हो गया। अब वो गया हनी के पास। हनी आओ मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना। हनी को तो उसको देखते सार उसने अपना नोज कवर कर लिया। उसको लगा पता नहीं क्या बात है, सब क्या कर रहे हैं, जरूर से पूछता। उसके बाद वो गया पारस के पास। पारस आओ मुझे भी अपने साथ खिलाओ। पारस ने उसकी तरफ देखा और बोला ये क्या हालत बनाई हुई है, आपने मुंह भी नहीं धोया अपना, कितने गंदे लग रहे हो मौली। मौली को ना बहुत शर्म आई और वो सोचने लगा कि क्या बात है। उसे याद आया अरे मैं तो नहाया नहीं, 2 days हो गए हैं, ना ही मैंने ब्रश किया। चलो अभी मम्मा से पूछता हूँ जाके, मम्मा ने मुझे नहीं नहाया, मम्मा से मिल के आता हूँ। अब मौली नहा के आ गया, कपड़े चेंज करके सुंदर वाले कपड़े पहने। अब गया फ्रेंड्स के पास, वो भी देख के खुश हो गया। दूसरे फ्रेंड के पास गया, हनी भी खुश हो गया। और ये देखो पारस भी खुश हो गया। वो कहते अब हम सब आपके साथ मिलके खेलेंगे, इतना गंदा बन के नहीं रहते हैं, एवरी डे नहाना चाहिए, अपने दांत साफ करने चाहिए और कपड़े हमेशा साफ सुथरे पहनने चाहिए। देखो बाकी बच्चों ने साफ साफ कपड़े पहने हैं ना, तो सबने उसको फ्रेंड बना लिया। अगर हम गंदे बन के रहेंगे ना बेटे, तो कोई भी हमारे साथ खेलेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमें इसको अपना फ्रेंड बनाना है। इसलिए हमें एवरी डे कपड़े चेंज करने हैं, नहाना है, चाहे घर में रहना है, चाहे खेलने जाना है, चाहे कुछ भी करना है, लेकिन साफ सुथरे बन के रहना है। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।